जैन साथियों कैसे हो। आपसे मैं स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपेयर नॉलेज। आज दोस्तों हम बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर रिक्वायरमेंट 2020 के बारे में। आपका फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होता है, आपका सिलेबस क्या क्या रहता है इसमें, और फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन इसमें किस प्रकार से होता है, हम सब डिस्कस वीडियो में करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए चलता हूँ दोस्तों गूगल की तरफ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे हम गूगल पे आ गए हैं, यहाँ फिलअप करते हैं सरकारी रिजल्ट.com। गाइज एक ऑफिशियल साइट आपको ये ओपन कर लेनी है, तो मैं यहाँ पे गूगल सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिंक पे सरकारी रिजल्ट.com दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया दोस्तों। फ्रेंड्स नीचे आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सेकंड लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेम ऑफ पोस्ट बिहार बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑनलाइन फॉर्म 2020, ठीक है। और पोस्ट डेट की बात करूं दोस्तों यहाँ पे देखिए 30 अप्रैल 2020 है आपकी। एप्लीकेशन बिगिन की बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 4 तारीख 5वां महीना 2020 से आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, मतलब आज से ही आपके फॉर्म दोस्तों फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं। बात करें आपकी फीस के बारे में दोस्तों, जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये फीस है आपकी, इसमें एससी एसटी के लिए 200 रुपीज फीस है, बिहार डोमिसल जिनके पास है और जो फीमेल है उनके लिए इसमें 200 रुपये फीस मांगी गई है। आप अपनी फीस दोस्तों डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट की बात करूँ इस फॉर्म के बारे में दोस्तों, अभी देखिए 18 तारीख की आपकी जो लास्ट डेट दी गई है यहाँ पे 18 मई की आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो 18 मई से पहले फॉर्म फिलअप जरूर कीजिएगा। पे एग्जाम फीस की लास्ट डेट बात करूँ 25 मई आपकी लास्ट डेट है पे एग्जाम फीस के लिए, ठीक है। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट दोस्तों की यहाँ पे देखिए 2 तारीख है, यहाँ पे 2 जून आपकी लास्ट डेट दी गई है कंप्लीट फॉर्म के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रिसिप्ट फॉर्म लास्ट डेट है, रिसिप्ट मतलब गाइज आपकी जो भी मतलब का हो गया प्रिंट आउट निकालने के लास्ट डेट दो आपकी इसमें दी गई दोस्तों 10 तारीख की है, 10 जून आपकी लास्ट डेट इसमें दी गई है। एग्जाम डेट आपकी गाइज इसमें कोई मेंशन नहीं है, अभी कुछ नहीं पता एग्जाम कब होगा। बात करो आपकी दोस्तों एज लिमिट के बारे में, देखिए मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 37 साल होनी चाहिए, 37 ईयर्स आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए मेल के लिए। अगर फीमेल के लिए मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए फीमेल के लिए, आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए फीमेल के लिए। इसमें एससी एसटी को अलग से छूट दी जाएगी। अगर मैं बात करूँ टोटल पोस्ट के बारे में यहाँ पे देखिए 255 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ पे देखिए दोस्तों आपकी टोटल पोस्ट 192 में है, मतलब 7/2020 में 192 पोस्ट है, 8/2020 में आपकी 61 पोस्ट है, 9/2020 में आपकी 2 पोस्ट है। यहाँ पे फ्रेंड्स अलग अलग आपको पोस्ट मिलेंगी यहाँ पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ठीक है, आपको अलग अलग पोस्ट मिल जाएंगी। फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे आराम से देख लीजिए, आपके पास बीए होनी चाहिए, बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियर बीए, यहाँ पे गाइस देखिए बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर, यहाँ पे फ्रेंड्स बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिक यहाँ पे इंजीनियर। फ्रेंड्स आपके पास इंजीनियर डिग्री होनी बहुत ही मतलब अनिवार्य है इसमें, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और आपके पास बीटेक मतलब इंजीनियर डिग्री है तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिएगा अपनी पोस्ट आराम से कैटेगरीज वाइज आपकी पोस्ट यहाँ पे दी गई है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है पोस्ट, और जनरल में कितनी है, डब्ल्यूएस में कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, आपको यहाँ पे मेंशन की गई है दोस्तों, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में दोस्तों, देखिए आपका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स आप आ गए हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपलसरी पेपर नेम ऑफ टेस्ट टाइप ऑफ पेपर ड्यूरेशन मार्क्स। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये गाइस जो के पेपर होने कंपलसरी, आपको ये पेपर देने ही पड़ेंगे इसमें, ठीक है। इसमें देखिए गाइस देखिए दोस्तों जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव आपका गाइस पेपर होगा, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप आपका गाइस पेपर होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा इंग्लिश में। यही काम गाइस आपका हिंदी में, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप 1 घंटे का समय मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा आपका। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जीएस आपकी गाइस यहाँ पे 100 नंबर की आएगी, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जनरल इंजीनियर साइंस गाइस, यहाँ पे देखिए जनरल इंजीनियर साइंस आपकी गाइस 1 घंटे के लिए आपका पेपर होगा, 100 नंबर की आपकी ये जनरल इंजीनियर साइंस भी आपकी यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपके सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ऑप्शनल पेपर, ये गाइस आपके ऑप्शनल पेपर है। यहाँ फ्रेंड्स देखिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यहाँ पे इंजीनियर पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा गाइस, जिसमें आपका 1 घंटे का समय मिलेगा, 100 नंबर का पेपर होगा टोटल ये। फ्रेंड्स सेकंड देख लीजिए इंजीनियर टू ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा फ्रेंड्स, 1 घंटे का समय मिलेगा आपको, यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा ये पूरा टोटली। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स आपके, इसमें आपकी गाइस नेगेटिव मार्किंग
0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कई फ्रेंड्स का डाउट था कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो फ्रेंड्स इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भाई 100% है, ठीक है। और ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है भाई, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, ठीक है। और गाइस आपका जो पेपर होगा फ्रेंड्स ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में होगा। और दोस्तों अभी देखिए हिंदी इंग्लिश में गाइस आपको 30 नंबर लेने अनिवार्य है। अगर आप दोस्तों हिंदी इंग्लिश के पेपर में 30 नंबर नहीं लेते भाई आपको फेल कर दिया जाएगा। तो अनिवार्य है आपका मिनिमम स्कोर आपको करना पड़ेगा 30 नंबर हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ पे कंपलसरी मांगा गया आपसे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए देयर विल बी नो इंटरव्यू इन बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर। गाइस आपका असिस्टेंट इंजीनियर में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पे आपने इन्होंने अलग से मेंशन कर रखा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। और फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पे देख लीजिए गाइज, ये आपका गाइज सिलेबस है, आराम से आप चेक कर लीजिएगा। जनरल इंग्लिश का यहाँ पे कम्प्रीहेंशन, फिल इन ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, गाइज आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। जनरल हिंदी में फ्रेंड्स आपके देख लीजिएगा, ग्रामर आई गाइज आपकी, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका क्या कहते हैं संधि हो गया, क्रियावाची हो गया, ये सब आपके हिंदी में पूछे जाएंगे आपसे। समास हो गया, संधि हो गया, ये सब आएगा आपका हिंदी में, ठीक है, नॉर्मल जो आता है। और फ्रेंड्स जीएस आप देख लीजिए, करंट अफेयर्स आएगा, स्टेटस जीके आपसे पूछी जाएगी, अवार्ड्स आएंगे, होनर्स आएंगे, ठीक है, कैपिटल्स आएंगी कंट्री की, ठीक है गाइज आप आराम से देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपको गाइज पूरा दिखा दिया दोस्तों। आपको दोस्तों फिर भी कुछ डाउट लगता है, कुछ भी आपको बात पूछनी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स किसी भी आपको बात में आपको डाउट लगता है, कुछ भी इस भर्ती के बारे में पूछना हो मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब 100% दूंगा दोस्तों। फ्रेंड्स आपको टेंशन भाई बिल्कुल नहीं लेनी है भाई, चैनल आपका, आपको सपोर्ट करना है, सो प्लीज गाइज चैनल को जितना उसके सपोर्ट करें। और गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए भाई आपके चैनल सब्सक्राइब करने से वीडियो लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज गाइज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भाई। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है आपको सब्सक्राइब वाला, उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।